सागर में दीपावली मिलन समारोह के दौरान पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आयोजन के राजनीतिक मायने निकालना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं की मदद और सहयोग करना उनका दायित्व है और वे अपने समर्थकों के अनुरोध को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। सागर और सुर्खी से आगामी चुनाव में उनकी संभावित उम्मीदवारी पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वे कोई भी काम चोरी छिपे नहीं करते हैं। अगर सागर से चुनाव लड़ने का निर्णय लेंगे तो खुलेआम इसका ऐलान करेंगे। खुरई में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाल ही में हुए विवाद का जिक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में स्थान नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने समारोह को पारिवारिक आयोजन बताया जिसमें राजनीति के बजाय अपने लोगों से जुड़ने का उद्देश्य था। उसका अच्छा शब्द ध्यान नहीं आ रहा, नहीं कुछ लोग जो अब अपन बुंदेलखंडी में कह दो चमचे टाइप के लोग जो है तो वो हर चीज का गलत प्रचार। तो जूते घिसना है तो चमचागिरी में मत घिसो, संघर्ष में जूते घिसो। चमचागिरी काम करना है तो संघर्ष में काम करो, ये चमचा चमचा गिरी से कुछ होता नहीं, किसी का कोई भविष्य भविष्य नहीं बन रहा। तो कई लोग उनने का पता, दो चार लोग को यही घूम रहे होंगे, कौन कौन आया कौन कौन गया। ये हमारा त्योहार, सब मिलते हैं, व्यस्त जीवन होता है, बार बार मिल नहीं पाते, कार्य क्षेत्र अलग है, कोई राजनीति में है, कोई व्यापार में है, कोई किसी काम में है, तो ये मिलन समारोह ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि मिलना हो जाता। कई लोग ऐसे जो साल भर से नहीं मिले, छः महीने से नहीं मिले, अभी दीपक दुबे लंबरदार बैठे हैं, हमें दो साल से नहीं मिले, आज मिल गए दीपावली मिलन समारोह में। तो ये इनके यही फायदे होते, इसके अलावा इसका कोई और कोई वो नहीं होता। तो इसलिए जो लोग, कुछ लोग थोड़े से नहीं, ये तो डिफॉर्मेशन का केस बनता है तो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट में वकील कर रहे, और नहीं तो 10 करोड़ भरना पड़ेंगे। तो पार्टी ने काम दिया, तो पार्टी ने काम दिया तो पार्टी के काम के लिए करना है। तो कभी ये थोड़ी देखा कि इससे कितना नुकसान होगा, क्या होगा। पार्टी मतलब पार्टी, ये कभी भाव तौल किया ही नहीं। भोपाल में पार्टी ने कहा कि कैसे भी जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी का भोपाल में बनाना है, तो जिला पंचायत भोपाल में पार्टी का तो बन गया, पर झगड़ा हमारा दिग्विजय सिंह से हो गया। अब आप देखो, दिग्विजय सिंह से झगड़ा हुआ और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अवनीश भार्गव कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब वो जो अवनीश भार्गव थे वो सागर के कांग्रेस के प्रभारी थे जिले के, तो दिग्विजय सिंह और अवनीश भार्गव विधानसभा के चुनाव के पहले तक हर हफ्ता खुरई जाते थे कि कैसे भी इनको हराना है। तो हमारी कौन सी बुराई थी, हमारी तो कुछ थी नहीं, हम सोचते कि चलो भैया का करना, पार्टी का बने चाहे ना बने, अपन काय को दिग्विजय सिंह से बुराई लो, अपन काय को भार्गव जी से बुराई, अवनीश भार्गव जी से बुराई लो। तो पार्टी ने कहा तो किया। तो इसलिए पार्टी के लिए जो कुछ करते हैं कभी अपने लिए नहीं करते, जो कुछ करते हैं पार्टी के लिए करते, क्योंकि जो कुछ भी है आज उस पार्टी के कारण ही है। कोई उसका अपन कोई मूल्य थोड़ी बताता। अब पंचायत के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव में
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया। उस समय शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो शिवराज जी ने कहा कि यार कैसे भी अपन को ये लड़ाई लड़ना है, पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़ना है और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अब वो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, अब उस लड़ाई में लड़ी तो सब बातें हुई और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि पंचायत के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण भी मिल गया। अब ओबीसी को तो आरक्षण मिल गया पर उस लड़ाई में विवेक तनखा ने हम लोगों के ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का केस लगा दिया। अब पेशी कर रहे हम लोग सरपंच आनंद में। अच्छा के कौन लोग आए तो उन्होंने कहा प्रभु ये वो लोग हैं जब अपन लंका में रावण से युद्ध कर रहे थे तो ये सब लोग अपने साथ युद्ध में थे। तो बोले इनको बोलो कि अभी जाओ, जब अगला युद्ध होगा तो बुला लेंगे। तो हमने कहा, हम लोगों ने कहा ऐसी हालत हम लोगों की। इन सब कठिनाइयों का, इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। ईश्वर आपके साथ है और उन्हीं कृष्ण ने फिर पांडवों को राज सिंहासन भी दिलाया। तो ईश्वर परीक्षा लेता है, परीक्षा में ईश्वर हमेशा मौन रहता है। इसका उदाहरण अपनी जब स्कूल कॉलेज की परीक्षा होती है तो स्कूल कॉलेज की जब परीक्षा होती है तो अपने जो शिक्षक होते हैं वो साल भर तो अपन को पढ़ाते हैं, डांटते हैं, पढ़ाते हैं पर परीक्षा के समय मौन रहते क्योंकि वो आपकी परीक्षा ले रहे। ऐसे ईश्वर परीक्षा के समय मौन रहता है। आज पूरी दुनिया में लोगों ने वामपंथी विचारधारा को अस्वीकार कर दिया, पूरी दुनिया में। अभी अमेरिका के चुनाव के परिणाम सामने है, लोगों ने कहीं पर भी आज कम्युनिस्ट को, वामपंथ को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो धर्म को मानते ही नहीं है और इसलिए धर्म के आधार पर। और दुख आते हैं, तकलीफ आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं पर भगवान हमारी परीक्षा भी। क्योंकि वो अत्याचार अनाचार हमने सहे, सत्ता की चकाचौंध में कई बार लोग चीजें भूल जाते पर ये सत्ता की चकाचौंध कभी स्थायी नहीं होती और ना किसी की कभी रही है। और इसलिए अपना कार्यकर्ता, अपनी पार्टी, अपनी यही सब अपनी ताकत है, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब राजनीति तो नहीं हो गई। अब मैं सांसद रहा, अगर सांसद के रहते अगर कोई कुरवाई में कार्यक्रम है, मुझे लोग बुलाते हैं तो क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा? या बीना में कहीं पर कार्यक्रम पार्टी का, मैं जिला अध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे का 7 साल तक जिला अध्यक्ष रहा सागर जिले का, पार्टी के अनेक पदों पर रहकर काम किया, प्रदेश का महामंत्री में 2 बार पार्टी का प्रदेश का महामंत्री बना। भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री बनना मतलब कांग्रेस में तो 150-200 होते, भारतीय जनता पार्टी में कुल 3 होते पूरे मध्य प्रदेश। मैं 2 बार प्रदेश का महामंत्री रहा, 2 बार प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा पार्टी का, 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ हमने काम किया। तो जहां लोग बुलाएंगे, जहां कार्यक्रम होगा वहां नहीं जाएंगे। संपर्क है, संबंध है, तो इसका मतलब कोई राजनीति तो नहीं होगी। और इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो दीपावली मिलन समारोह है ये शुद्ध रूप से
शुद्ध रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम है, इसके पीछे और कोई किसी प्रकार का कोई भाव नहीं, और मैं कोई चोरी छुपे काम नहीं करता। मतलब मेरे मन में जिस दिन ये होगा कि मुझे सागर से चुनाव लड़ना, तो मैं कह के लड़ूंगा, धोखे से लड़ूंगा। किसी खुरई के कार्यकर्ता से पूछो कि वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब क्या होता था खुरई के अंदर, कि खुरई के लोगों से पूछो आप। इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना, तो सुर्खी से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, और पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है, तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की, पर पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज के हमारी वहां के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस कार्यकर्ता को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं? ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा, लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जा जा के जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा उठा के गाड़ी में ले जा के अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72 सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया शायद, राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे के हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। उस समय जो कार्यकर्ता काम बहुत से आज कर रहे हैं, तो वो सारे कार्यकर्ता गढ़ने का काम तो हमने ही किया है। उन सब कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ संघर्ष किया है। उन कार्यकर्ताओं पे उस समय कांग्रेस के समय क्या क्या अत्याचार हुए, क्या क्या उनके साथ होता था, बहुत से लोग यहाँ बैठे जो जानते हैं, राम कुमार साहू यहाँ बैठे, ये भी सुर्खी क्षेत्र में ही, इनकी जमीन, गांव, सब कुछ, बहुत लोग बैठे, अरविंद लंबरदार बैठे। उस समय भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के लोग कितना अत्याचार करते थे और क्या क्या नहीं होता था, पर वो कार्यकर्ता हमारे साथ लड़ने मरने के लिए, जेल जाने के लिए केस बन रहे हैं, जेल या फर्जी मामले बन रहे, 302 के बाकी सारी चीजें, ये सब होता था। आज वो कार्यकर्ता अगर हमारे पास आता है तो क्या हम उसको ये कह दें कि तुम सुर्खी विधानसभा के हो इसलिए हमारे पास मत आओ? क्या इतनी मानवता और इतनी नैतिकता हमें नहीं होना चाहिए कि अगर वो हमारे पास आता है तो कम से कम हम काम कर पाए ना कर पाए, पर चाय की तो हम उससे पूछ ही सकते। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि कोई हम सुर्खी विधानसभा से हमें चुनाव लड़ना इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, तो कैसे छोड़ दे? जिसने हमारे लिए, हमारे चुनाव में जिसने सब कुछ सहा, जिस पे सारी कठिनाइयां जिसने सही है हमारे चुनाव के लिए, पार्टी के लिए, उसको हम कैसे छोड़ दें? हम खुरई से चुनाव लड़े और खुरई में किस तरह की, मैं कोई सागर से विधायक बनना इसलिए मदद नहीं करते,
हम मदद इसलिए करते हैं कि उस कार्यकर्ता ने कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ काम किया है, हमने देखा है, हमने देखा है कि उसने हमारे साथ लाठियां भी खाई है, हमारे साथ जेल भी गया है, केस भी बने हैं, परेशान भी हुए हैं, परिवार के लोग भी परेशान हुए हैं, क्या क्या नहीं हुआ एक लंबी कहानी है। तो उस कार्यकर्ता को हम कैसे छोड़ दें या उसकी बात हम कैसे ना सुने, तो इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं हो सकता। हम पहली बार सुर्खी से विधायक बने 93 में, उसके पहले कभी सुर्खी से भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह पर या जनसंघ के चुनाव चिन्ह पर सुर्खी से कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। पहली बार 93 में जब हम चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, तब पहली बार सुर्खी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती। सागर में हमने 45 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, तो जिन कार्यकर्ताओं के साथ हमने काम किया है उन कार्यकर्ताओं के यहाँ अगर वो हमें बुलाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा, वो कोई कार्यक्रम रखते हैं तो हमें जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके कोई राजनीतिक अर्थ होते, चूंकि उस कार्यकर्ता ने हमारे ऊपर विश्वास करके वो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा। हम उसको ये कैसे कहते हैं कि तुम सागर विधानसभा के हो इसलिए हम मदद नहीं कर सकते, कैसे कहते? तो इसका मतलब अगर सागर विधानसभा के किसी कार्यकर्ता की हम मदद करते हैं तो इसका मतलब कोई हमें सागर से विधायक थोड़ी बनना इसलिए हम मदद करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं तो कई बार कार्यक्रम के राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाते हैं, पर मैं इसको नहीं मानता। हम लोग पिछले 40 वर्षों से, बल्कि अब तो 45 हो गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और उस काम करते करते अनेक नए कार्यकर्ता जोड़ने का अवसर मिला, अनेक नए कार्यकर्ता हम लोगों पर विश्वास करके पार्टी से जुड़े, और ये क्रम पूरा जिले भर में चला। पूरे जिले भर में हम लोगों ने पार्टी का काम किया। पहले तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी कि क्या विधानसभा क्या, ये कोई कभी दिमाग में होता नहीं था, बस पार्टी का काम करना है इतना भर दिमाग में होता था। तो जिले भर में हम लोग पार्टी का काम करते थे, अनेक लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करते थे, और अनेक लोग हम लोगों के माध्यम से उस समय पार्टी में जुड़े और आज भी जुड़ते। तो एक सामान्य सी बात है, नहीं करते। आज का जो कार्यक्रम है ये दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम है, और हम सब जानते हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है हमारी पार्टी का, वह संकल्प एकता और सामाजिक समरसता के माध्यम से ही हो सकता है, और ये उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है दीपावली मिलन समारोह, जिसमें एकता भी है और सामाजिक समरसता भी है। तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए एकता और समरसता, इससे ही एक भारत और श्रेष्ठ भारत
का निर्माण संभव है, उस दिशा में हम सब लोग बढ़ रहे हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इस सब आधार पर एक सशक्त भारत श्रेष्ठ। आज वो गोपालाष्टमी, गोष्टमी, तो हर दिन हमारे यहाँ हमारे धर्म में कोई ना कोई उसका अपना धर्म का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व।